गाड़ी बढ़िया धोई है, अब समस्या है हमारे साथ एक छोटी, आज हमारे पास जो है पैसे नहीं है भाई, पर आज हमारे पास पैसे नहीं है, क्या करोगे? आपकी गाड़ी धुल गई, आपको संतुष्ट है नहीं? नहीं, संतुष्टि तो है गाड़ी। तो यहाँ पे विद बिल हमारा जो है 200 रुपए का कटा है और ये 300 रुपए हमारे वापस आ गए हैं। अच्छा, आपको लग रहा है मैं कहीं से जाना पहचाना आपको? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? आज है रक्षाबंधन और पहले तो मेरी तरफ से आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे एक दोस्त हैं मवाना के अंदर जहां पे मैं रहता हूं, अंकुर गुप्ता, उनके किसी भाई ने, मतलब उनकी रिश्तेदारी में कोई भाई है, बहुत ही प्यारा भाई है, एक मेरठ के अंदर खोला है अपना ऑटोमेटिक कार वॉशिंग सेंटर। आईडी में तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि गाड़ी उसके अंदर घुस जाती है और गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक उसको साफ करती है। अब कमाल की बात क्या है, जो अन्नू है लड़का जिसने वो खोला है, वो मेरे को नहीं जानता, बल्कि अंकुर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अंकुर का जो भाई है या उसकी बुआ का लड़का है, जो भी है रिश्तेदार का लड़का है, वो मेरे को पर्सनली नहीं जानता है। अब आज हम जाने वाले हैं अन्नू के पास मेरठ के अंदर उसके ऑटोमेटिक कार वॉशिंग सेंटर पे अपनी इस गाड़ी की वॉशिंग कराने के लिए। और एक चीज और यार, ये मूंछों का डिजाइन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा जरूर। और आपको दिखाने वाला हूं कि ऑटोमेटिक कार वॉशिंग कैसे होती है और एक छोटा सा मजाक अन्नू के साथ करने वाले हैं, गाड़ी वगैरह हम धुलवा लेंगे, सारी बात कर लेंगे और बाद में उसको बोलने वाले हैं कि भाई पैसे तो मेरे पास है नहीं, पैसे हो गए हैं खत्म, अब आपको पैसे नहीं देंगे, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। तो मजेदार वीडियो होने वाली है, ऑटोमेटिक कार वॉशिंग कैसे होती है, कितनी सेटिस्फाइंग है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको समझ में आएंगी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अन्नू के कार वॉशिंग सेंटर की तरफ। तो भाई यहाँ पे अगर देखोगे तो रोड के ऊपर भी इन्होंने अपना जो है प्रचार कर रखा है भाई, रॉयल कार वॉश करके। तो चलो चलते हैं, नजदीकी हैं हम इसके, एड्रेस वगैरह इनका सब कुछ आ रखा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो ऑटोमेटिक वाला जो है ये सिस्टम यहाँ पे दिखा रखा है सारा, कैसे कार वॉश होती है। अभी तो मैं रोड के ऊपर ही हूँ, चलो चलते हैं फिर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। भाई ये है इनका रॉयल कार वॉश, तो मूछ तो आज क्लासिक लगी रही है। सर गाड़ी धुलवानी थी हमें, इसके बाद नंबर है तो यहीं पे खड़ी कर दें। क्या चार्जेस लेते हैं? जल्दी हो तो इससे पहले धुलवा देंगे। अच्छा, क्या चार्जेस का लेते हैं? 200 रुपए गाड़ी, 200 रुपए गाड़ी, अंदर से भी साफ करोगे? बढ़िया तरीके से देखो वैक्यूम, हमें वीडियो भी बनानी है, वीडियो भी बनानी है हमें। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो भाई दोस्तों देखते हैं। ये भाई साहब आए हैं, 200 रुपए बता रहे हैं चार्जेस, देखते हैं किस तरीके की गाड़ी धोते हैं। हम क्या आपका? मेरा नाम सुधीर लांबा है। सुधीर लांबा जी। तो भाई यहाँ पे जो है गाड़ी आगे नहीं जाती है, अगर तो ये गाड़ी आगे नहीं जाती है इस पे, बल्कि जो ये मशीन है पूरी, इसमें से जेट स्प्रे निकलते हैं और ये पीछे की तरफ ऐसे जाती है। और इसमें वैसा धुलाई वाला सिस्टम नहीं है कि भाई वो गोल गोल घूम के उससे वॉश होती है। देखते हैं अभी किस तरीके से काम करता है भाई ये गाड़ी। भाई साहब हमारे सुधीर जी इनकी हटा रहे हैं, पहले हमारी गाड़ी की वॉशिंग होगी। 200 रुपये में कितना टाइम लगता है, क्या होता है, वो सारा आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, अंदर बाहर से कैसी सर्विस है। अगर मैं इनके एड्रेस की बात करता हूँ तो एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए रॉयल कार वॉश, एड्रेस है इनका नियर जेपी एकेडमी, मवाना रोड, गंगानगर, मेरठ। अगर तो इनकी रॉयल वालों की यार एक चीज़ और अच्छी लगी, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो अभी ये काम शुरू होने वाला है इसका भी, जो अलाइनमेंट वगैरह का है पूरा प्रॉपरली ये भी होगा। और जैसा मेरे को बता रहे हैं कि बराबर में भी पूरा सर्विस सेंटर यहाँ पे खोलेंगे। अभी यहाँ पे हमारी गाड़ी की जो है वैक्यूम क्लीनिंग चल रही है और इससे जितनी भी डस्ट वगैरह है वो सारी निकल के साफ होने वाली है। गाड़ी को वैक्यूम क्लीनर से पहले ये लोग साफ कर रहे हैं। वैक्यूम करो तुम। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बहुत सारा कचरा जमा हुआ हो रखा है। अब जब ये वाला साफ करेंगे, वो अभी आगे की तरफ से जो है भाई हमारा जो साफ सफाई कर रहा है इससे वैक्यूम क्लीनर से, जब इसको हटाएगा तो ये दिखाते हैं प्रॉपरली कितना प्रेशर वाला इनका वैक्यूम क्लीनर है, वो कितनी अच्छे से सफाई कर रहे हैं। अच्छा सर, ये टू व्हीलर का क्या है वॉशिंग का चार्जेस जो है? 50 रुपये ओनली। तो भाई टू व्हीलर भी यहाँ पे वॉशिंग कराने देख रहे हैं आप लोग आ रहे हैं और केवल 50 रुपये में। हालांकि टू व्हीलर को ऐसा जेट स्प्रे का कोई जरूरत नहीं है, इसको कैसे पाइप से ही धुलते हो या क्या? अच्छा ये वाली ये स्प्रे गन है, लगा दे। बस 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 समझ गया। तो ये भाई टू व्हीलर के 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो इसका भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत तेज है और ये पकड़ा भी नहीं जा रहा। एक मिनट में पकड़ के देखिए,
बहुत तेज प्रेशर है, एकदम चकाचक मिट्टी ये भी निकाल रहे हैं। और जो इसका प्रेशराइज सिस्टम है वो ऊपर यहाँ पे कहीं लगा हुआ है, और जो उसमें जेट स्प्रे है उसका स्प्रे तो इससे भी तेज निकलने वाला है। एकदम परफेक्ट क्लीनिंग हो रही है कोनों कोनों तक। ये फेंक दो बाहर बोतल सारी निकाल देना, वो भी जो दरवाजों में भी रखी है। भाई वाह, ये तो मजा आ गया। और इधर की हालत देख लो कितनी गंदी हो रखी है, अभी इधर से भी करेंगे, पूरी सफाई हमारी होने वाली है गाड़ी की। तो दोस्तों अंदर की सफाई के बाद ये हमारी गाड़ी लगाने लगे हैं इस रैंप के ऊपर। ये जो पीली लाइन है इसके आगे एक टायर आने वाला है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रॉपरली जो जेट स्प्रे है या जेट वाश जिसको बोल सकते हैं वो किस तरीके से काम करता है। पहले हमारा उसी गन से पहले करेंगे। गन से ये है कि जो आपका लाइटिंग बोर्ड वगैरह है, इसे फीचर लगा हुआ है, हाँ, तो साफ करने के लिए। अच्छा, जैसे इस गाड़ी में ये काफी सारा लगा हुआ है इधर, हाँ, तो इसे भी गन से साफ किया जाएगा, जिससे फीचर जो है ना इसे वो हो जाएगा, जो मोटा मोटा पहले है वो पहले गन से साफ हो जाए और फिर अच्छे से जो फिनिशिंग है उससे आ जाएगी। और ये यहाँ पे तीन तीन जो जेट स्प्रे लगे हुए हैं ये ऐसे भी मूव करेंगे, और ये नीचे की तरफ से गाड़ी को धो देते हैं। हमारी गाड़ी को होगा क्या, नीचे से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर नीचे से ये प्रेशर आएगा और साइडों से ये आएगा। और तो यहाँ पे दोस्तों जो पहले है इंजन को नीचे की तरफ से, यानी कि गाड़ी को इंजन की साइड से नीचे की तरफ से पूरा जेट वॉश के थ्रू यहाँ से सफाई की जा रही है। आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए पूरा मूव कर रहे हैं ये जो प्रेशर वाले पाइप हैं जिनके अंदर से पानी निकल रहा है, और ये गाड़ी को नीचे से प्रॉपरली साफ़ कर रहे हैं, मतलब किसी को नीचे घुसने की ज़रूरत नहीं है। और इनका प्रेशर देखने लायक है यार, काफ़ी तेज़ी से काफ़ी क्लीनिंग इसकी हो रही है गाड़ी की। गाड़ी को उठाने का दिक्कत नहीं है यहाँ पर, अगर गाड़ी मान लीजिए जैक से उठती है तो उससे कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, कई बार जो जैक है वो कई गलत पार्ट पे लग जाता है और वो पार्ट्स बैंड हो सकते हैं, लेकिन इस पे गाड़ी उठाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमारी गाड़ी जो है वो प्रॉपरली नीचे की तरफ से वॉश हो जा रही है। और बिल्कुल जो प्रेशर है वो एकदम स्ट्रेट है बहुत अच्छे से, मतलब नीचे की तरफ से बाद में गाड़ी दिखाऊँगा मैं आपको कितनी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो अब हमारी गाड़ी जो है नीचे से तो हमारी बिल्कुल क्लीन हो गई है जो इसकी बे लाइन है, और अब ये साइडों से आप अगर देखेंगे तो जो जेट स्प्रे है जेट वॉश है वो काम करने लगा है, और जो पूरा रैंप है वो आगे पीछे मूव कर रहा है, और गाड़ी को चारों तरफ से एक बढ़िया प्रेशर के साथ जो है यहाँ पर वॉशिंग चल रही है। अब ये एक बार पीछे की तरफ जाएगा और जैसे ही पीछे तक गाड़ी कंप्लीट हो जाती है ये फिर से आगे की तरफ आएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है दोस्तों, कोई भी कोना जो है हमारी गाड़ी का ना नीचे से बचा, ना छत के ऊपर से बचा, ना ही साइडों में से, पूरी गाड़ी पे जो एक बार में ये पूरा स्प्रे लगेगा उसके बाद जो है, जो मैंने पूछा सुधीर जी से, उन्होंने बताया कि भाई ये एक बार होने के बाद, ये पूरा स्प्रे होने के बाद इस पर फिर फोम की स्प्रे की जाती है, वो फोम इस पर डलेगा, उसके बाद जो लड़के हैं या जो भी वर्कर हैं यहाँ पे वो इस गाड़ी को उस फोम के साथ वॉश करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे फोमिंग वाली प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। ये देखिए यहाँ पर जो है फोम ऊपर से गाड़ी के ऊपर डलने लगा है, उन वाले पाइप से जो उधर वाले पाइप हैं, ये पूरी गाड़ी के ऊपर फोम डलने लगा है यहाँ पे। अब ये पूरी गाड़ी पे फोम डलेगा, उसके बाद जो है लड़के जो भी वर्कर हैं यहाँ पे वो कपड़े से दो दो तीन तीन लड़के मिलके, हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो रिम है हमारे इनको साफ़ करने के लिए जैसे ही फोमिंग ऊपर से डल रही है तो ऑटोमेटिकली रिमों के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ये रैंप देखिए यहाँ पीछे खिसकेगा धीरे धीरे, और जैसे ही ये उसके सामने आएगा अपने जो पीछे वाले रिम के सामने आएगा, फिर से रिमों को साफ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ये देखिए यहाँ पे पूरा बहुत तेज प्रेशर के साथ ये रिम साफ होते हैं हमारे, ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगी है। अब इसमें जो है ये केमिकल वगैरह क्या डालना पड़ता है इसमें, फोमिंग में भरना पड़ता है? ये केमिकल है जो उसमें कलर को फेड नहीं करता, कलर में शाइनिंग लाता है, उसमें सर्फ का प्रयोग नहीं करते जैसे लोकल में सर्फ का प्रयोग करते हैं। हाँ, जो डिटर्जेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है कलर के लिए, इसमें डिटर्जेंट वगैरह कोई यूज नहीं है, मतलब एक तरीके से कार वॉशिंग शैम्पू है इसके अंदर वो। जी, शाइनिंग शैम्पू बोल देते हैं इसे।
तो थैंक यू सुधीर जी, गाड़ी बढ़िया धोई है। आप वो समस्या है हमारे साथ, एक तो आज हमारे पास जो है पैसे नहीं है। चलो सोशल डिस्टेंसिंग हमने देख लिया भाई, पर आज हमारे पास पैसे नहीं है, क्या करोगे। आपकी गाड़ी धुल गई, आपको संतुष्ट है? नहीं, नहीं संतुष्टि तो है, गाड़ी बढ़िया धुली है। भाई ने हमारा एक कैमरा पकड़वाया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप समझो आपका स्पॉन्सरशिप कर दिया। अच्छा आपको लग रहा है मैं कहीं से जाना पहचाना आपको? लग रहा है कि भाई ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अन्नू तो मेरे को मिला नहीं है भाई। ये अन्नू के चाचा जी हैं सुधीर लांबा जी, और मैं आपको बताऊं अंकुर को जानते हो मवाना में? जी जानता। तो अंकुर के पास मैं बैठा था आज दिन में, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे हमारा भाई है, उसने यहाँ पे रॉयल के नाम से एक अपना कार वॉशिंग सेंटर खोला है, वहाँ जाके गाड़ी धुलवाना। और ये यारी दोस्ती वाली बात है कि उसने कहा कि जाके वीडियो भी बनाना आप। तो उसने मेरे को बोला कि भाई जाके एक वीडियो शूट करना, और एक छोटी सी मजाक के भाई पैसे तो नहीं दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, 200 रुपये आपने तो मजाक की बात नहीं भाई, दोस्त है। तो अंकुर ने बताया था, पर जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आपने गाड़ी देख ली, किस तरीके का काम हुआ वो सारा आपने नोटिस किया, मेरे को पर्सनली संतुष्टि है। और अगर आप मेरठ मवाना इस साइड में कहीं पे रहते हैं, या आप कभी मेरठ से कोटद्वार वाली रोड पे निकलते हैं, तो यहाँ की जो लोकेशन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा अपने इस प्यारे चैनल का। आप अगर नाम लेंगे कि जिप ऑफ लाइफ से अरुण भाई के थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आपको पता भी चलेगा कि कैसी मेहमान नवाजी है। और एक बार ये चीज़ आप पर्सनली आके ट्रस्ट करके देखें, मेरे कहने से आगे देखें कि भाई हाँ चलो रॉयल कार वो सेंटर पे जाके देखते हैं, और फटाफट काम होता है यहाँ पे। मतलब सबसे बड़ी जो चीज़ सुधीर जी मेरे को लगी कि गाड़ी धुलने में टाइम ज़्यादा नहीं लगा, जितनी संतुष्टि से काम हुआ है, ये जो ऑटोमेटिक काम है, ऑटोमेटिक है जी। हाँ, तो इससे बिल्कुल मजा आ गया। और 200 रुपये क्यों रखे आपने पहले तो ये बता दो थोड़ा सा। 200 रुपये इसलिए रखे ना कि अगर हमें बहुत से गरीब आते हैं बेचारे, गाड़ी छोटी गाड़ी लेके आते हैं, उन्हें लगता है कि ज्यादा उसमें जाएंगे देखे कि भाई ज्यादा पैसे लेंगे, लेकिन हमने 200 रुपये नॉर्मली चार्ज रखा है जिससे कि कोई भी आ सके। वो क्या होता है ना कि लोग देखे ऑटोमेटिक है, ऐसा ना हो 500 रुपये या 1000 रुपये लेते हैं, लेकिन जो लोकल का एरिया गांव गुहान का यहाँ पे देहात का एरिया है ज्यादातर लोकल, तो यहाँ एक और मैं आपको सलाह दूंगा, यहाँ पे आप लिखवा जरूर दें, कहीं पे आपने लिखवा नहीं रखा रेट लिस्ट, हाँ, कि भाई 200 रुपये कार वॉश है और 50 रुपये टू व्हीलर की यहाँ पे वॉशिंग चलती है। आपसे मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, फोन नंबर इनका मैंने दे दिया है, वीडियो में भी आपको दिखाई दिया होगा। पहले दे देते हैं हम सुधीर जी के पैसे, भाई साहब हमारे कार्ड के 300 रुपये वापस दे दो, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरे को गाड़ी धुलवाने में बहुत मजा आया, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। अभी तक अगर आपका प्यारा चैनल जिप ऑफ लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके जो लाल रंग का बटन आ रहा है सब्सक्राइब कर लें, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अरुण कुशल कद्री के नाम से, वहाँ जाके फॉलो कर लें। और आपके मन में कोई सुझाव या शिकायत आती है तो वहाँ मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।